Now second question is x square minus 10x plus 24 equal to 0. Now divide by x minus 6. तो हमें x की वैल्यू फाइंडिंग करना राइट और ये टेट एग्जाम 2020 में आया है. सो हाउ कैन गेट द फर्स्ट वैल्यू फाइंड ऑफ x इक्वल टू फाइंडिंग हमें क्या करना है ठीक है. ये हमें फाइंडिंग करना है. सो हमें इसका हम पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे. तो इट मीन्स यानी 24 यानी कितना 6 4 24. सो माइनस इज माइनस 6 इट मीन्स यानी माइनस माइनस प्लस राइट माइनस माइनस प्लस. सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0 डिवाइड बाय x माइनस 6 राइट. सो x गेट द कॉमन x माइनस 6 माइनस 4x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 6 इक्वल टू 0. सो गेट द अगेन कॉमन x माइनस 4 and x minus 6 get common divided by x minus 6 equal to 0. x minus 6 get cancel. Now remaining x minus 4 equal to 0. So value is x is equal to 4 right. So this is the answer of this x is equal to 4. So ये आपको TET exam 2020 में आया है. अब हम कभी भी फैक्टोरियल करते थे किस तरीके से करते थे बस हमें ये ऊपर वाली लाइन दे रहा था तब हम फैक्टोरियल उस तरीके से करते थे फैक्टराइजेशन तब करते थे. ये नीचे वाला नहीं रहता तो हम लोग उसको नहीं समझ पाते थे कि कैसा करना है. सो इसका भी यानी ये हमें बहुत ईजी तरीके से देते हैं कि अगर जब ये ऊपर वाली जो लाइन है न्यूमरेटर जो है इसमें हमें दो वैल्यू फाइंडिंग होती है. सपोज जैसे कि ये वैल्यू फाइंडिंग हुआ हमें ये वैल्यू फाइंडिंग हुआ तो इसमें हमें क्या फाइंड हो जाता है ऑटोमेटिक x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 6. ये हमें ये दो वैल्यू फाइंडिंग हो जाती है. बाकी यहाँ नीचे में दे दिया तो क्या हुआ यानी हमें एक सिंगल वैल्यू की यानी सिंगल x की वैल्यू की फाइंडिंग करना था. इसके लिए क्या किया ये डिवाइड बाय x माइनस 6 को भी रखा जैसे कि गेट कैंसिल हो जाए बस वन ही क्या बचे x इक्वल टू 4 बचे राइट. तो एक कंफ्यूजन के लिए इसने इस तरीके से किया क्योंकि हम कभी भी फैक्टर करते हैं फैक्टराइजेशन करते तो वो न्यूमरेटर जो दिया है उसी तरीके का होता है. इस तरीके का भी आई थिंक हुआ है बट एक रिकन्फ्यूजन के लिए इस तरीके से दिया है. सो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है सो वेल डू नॉट बी कंफ्यूज ओके वेरी इजी है. हम इस तरीके से समझ भी सकते हो इस तरीके को अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हो. पहले ऊपर वाले को कर दो नेक्स्ट आप जिस स्टेप से आप नीचे जाते रहोगे उस तरीके से आप सॉल्व करना ईजी हो जाएगा ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ कैन सॉल्व इट ओके.